कोरोना पर चौंकाने वाली रिसर्च, क्या सिगरेट से खत्म होगा वायरस, क्या रामबाण साबित होगी निकोटीन, निकोटीन से वैक्सीन बनाने की तैयारी। कोरोना वायरस बड़ी तेज रफ्तार से पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बन पाई। कोरोना के इलाज और बचाव को लेकर लगातार कोशिशें की जा रही हैं, जिसे लेकर कई तरह की रिसर्च भी सामने आई और रिसर्च भी ऐसी कि हर कोई हैरान रह जाए। इसी बीच वैज्ञानिकों ने एक नया दावा किया है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि सिगरेट पीने वालों में कोरोना का खतरा कम है। साथ ही अब वैज्ञानिक सिगरेट में पाए जाने वाले निकोटीन से कोरोना के इलाज की योजना बना रहे हैं। 480 मरीजों पर हुई रिसर्च। पेरिस के एक अस्पताल में शोधकर्ताओं ने 480 कोरोना वायरस रोगियों की जांच की, जिसमें से 139 लोगों में बीमारी के हल्के लक्षण देखने को मिले। शोधकर्ताओं ने बताया कि इनमें से सिर्फ 5% लोग धूम्रपान करते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक मरीजों की अनुमानित जनसंख्या के मुकाबले धूम्रपान करने वालों की संख्या कम है। यहां पर 44 से 53 साल की आयु वाले 40% लोग धूम्रपान करते हैं, वहीं 65 से 75 आयु वर्ग के बीच में ये आंकड़ा 8.8 से लेकर 11.3% है। कैसे काम करता है निकोटीन? वैज्ञानिकों के मुताबिक सिगरेट और तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन वायरस को कोशिकाओं में पहुंचने से रोक सकता है, इसलिए वो इसे शरीर में फैलने से रोकता है। वही मानव शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली अनावश्यक प्रतिक्रियाएं करती रहती है। वैज्ञानिकों का दावा है कि निकोटीन इन अनावश्यक प्रतिक्रियाओं को कम कर देता है, जिससे कोरोना से ग्रसित मरीजों को फायदा होता है। क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी। निकोटीन के इस फायदे को देखते हुए अब शोधकर्ता इसका ट्रायल करना चाहते हैं। रिसर्चर्स को अब फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग से इसके क्लिनिकल ट्रायल के लिए अनुमति मिलने का इंतजार है। वो लोग पेरिस के पिटी सल्पेट्रियर अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों पर निकोटीन पैच का इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं, जहां से इस रिसर्च की शुरुआत हुई थी। वो देखना चाहते हैं कि क्या ये पैच स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना के संपर्क में आने से बचा रहे हैं। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक। वैज्ञानिकों ने तैयारी तो शुरू कर दी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि इस स्टडी का मकसद लोगों को धूम्रपान करने के लिए प्रोत्साहित करना नहीं है। इसमें मिलने वाले निकोटीन से कोरोना वायरस से लड़ा जा सकता है। धूम्रपान से कैंसर और फेफड़े संबंधित कई बीमारियां हो सकती है, जो जानलेवा साबित होती है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सिगरेट पीने वाले व्यक्ति को कोरोना का खतरा ज्यादा रहता है, क्योंकि इससे बार बार हाथ मुंह पर लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स टीवी।